हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। आपके लेके आए हैं टेस्टी सी रेसिपी, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं यहाँ पर लेके आई हूँ वारामसली उपमा की रेसिपी। बहुत बट हमारे हस्बैंड को भूख लगी थी तो मैंने उन्होंने कहा कि कुछ जल्दी जल्दी से बना के लाओ, तो इसलिए मैंने हमारे झटपट बनाएंगे। और टोटली ऑप्शनल, आपके पास जो सब्जियाँ अवेलेबल हो। फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किया है। तो मेरे पास था आलू, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक प्याज को चॉप करके लिया है। मैंने यहाँ पर लिया ये इस तरीके से वारामसली। मैंने यहाँ पर, आप इसको टोटली ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर काजू और बादाम का यूज़ किया है। और यहाँ पर लिया मैंने करीलेस, आप चाहें तो पीनट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें, वैसे तो इसमें पीनट्स ही डाल जाते हैं, मेरे पास इस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, तो शो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम का यूज़ किया है। ये हम बनाना शुरू करते हैं, झटपट बनती है ये रेसिपी। चलिए, 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये। आप लंच में, डिनर में, फिर बच्चों को टिफिन में दे सकती हैं। बहुत ही इजी और बहुत कम ऑयल में बनती है ये। अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे अपने इस तरीके से। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है, मैं इनको निकाल लूँगी। चलिए, हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। आलू को भी मैं थोड़ा सा क्रिस्पी करूँगी, आलू को भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा क्रिस्पी होने का। इसलिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अगर आप चाहें इन सभी चीज़ों को क्रिस्पी नहीं करना चाहते, आप इन सभी चीज़ों को क्रिस्पी नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच ऑयल में ही ये रेसिपी जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। हम गोल्डन कलर आने तक हमारे जो है आलू को क्रिस्पी कर लेंगे, ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए, अपने जो आलू है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, मैं इनको भी निकाल लूँगी। और जीरा डाल रही हूँ, इसी के साथ हम डाल रहे हैं अपने करेले ही, साथ हम डाल दूँगी मैं इसमें अपनी वारामसली, इनको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। वारामसली हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसी के साथ मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज हल्के हल्के से, इसमें कच्चापन जो रहता है प्याज में वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने प्याज को पहले नहीं डाला है। साथ हम इसे डालेंगे, इनको बिल्कुल लो रखेंगे हम। आप चाहे इसमें टमाटर डाल सकते हैं, गाजर, मटर, जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल, 1 कटोरे से थोड़ी सी कम वारामसली थी, मैं 1 कटोरे से करीब इसमें पानी डालूँगी। तो ये खिली खिली बने, फ्लेम को हम लो रखेंगे, मसाले डालेंगे इसमें। आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। इसी इसमें लाल मिर्ची, और मैं टेस्ट के अनुसार मैं इसमें डालूँ नमक। पेड़ लगाकर हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इसी में हम डाल देंगे अपने आलू, वरना आलू जो हमारे फीके रह जाएंगे। हल्का फुल्का अगर इसमें कच्चापन रह भी गया आलू में, तो इसके साथ जो है ये अच्छे से पक जाएगा। 2 मिनट के ही होने, पेड़ लगा लेंगे हम। आप देख सकते हैं क्या खिले खिले लग रहे हैं ना हमारे। इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसमें डाल देंगे अपना 1 नींबू का रस। इससे जो है ये खिले खिले भी बनेगी, और इसमें नींबू से जो इसमें टेस्ट अच्छे से आता है। आप एक इस तरीके से लीजिए, 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, और इस तरीके से हम तोड़ कर देखेंगे। देखिए कितने अच्छे से टूट रही है हमारी, तैयार है वारामसली उपमा। मैं इसमें डाल दूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे हैं। गैस को कर दिया हमने बंद, लगा कर रखूँगी मैं 2 मिनट के लिए, फिर हम उसको सर्व करेंगे। ये गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। मैंने कुछ इसमें से ड्राई फ्रूट्स जो है बचा लिए थे, सो मैंने इसमें इस तरीके से सजा रहा है। ये देखिए क्या टेम्पटिंग सा लग रहा है हमारा उपमा, देख सकते हैं। हम इसके प्लेट में इसको सर्व करेंगे। वाह, देखिए क्या टेम्पटिंग सा लग रहा है ना हमारा वारामसली उपमा। चलिए बनाइए, खाइए और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।